है प्रेरणा संवाद, मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। देवबंद में शाहबाज अहमद सादिक और अफजाल ने हिंदू धार्मिक स्थलों पर फेंके अंडे, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सहारनपुर के देवबंद में हिंदू धार्मिक स्थलों और घरों पर लगातार गुलेल से अंडे और पत्थर फेंकने वाले चार युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देवबंद में ओवरब्रिज के ऊपर खड़े होकर शाहबाज अहमद सादिक और अफजाल गुलेल में अंडे और पत्थर फंसाकर फेंक रहे थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने के बाद चारों ने 20 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक धार्मिक स्थलों व जन्माष्टमी शोभा यात्रा पर अंडे और पत्थर फेंकने की बात स्वीकारी। घरेलू स्त्रियों को आत्मनिर्भर बना रही 24 साल की अनामिका महिलाओं को स्टार्टअप से जोड़कर बनाया आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर भारत की मिसाल पेश करती लखनऊ की अनामिका पांडे से मिलिए, जिन्होंने इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद लाखों की नौकरी छोड़ दी और नारियो स्टार्टअप के माध्यम से घरेलू हुनरमंद महिलाओं के जीवन को संवारने का बीड़ा उठाया। महिलाओं के हाथों का हुनर हमारे भोजन में स्वाद रचता है, लेकिन इसी काम की कई बार घर में कोई कद्र नहीं होती। इसी हुनर को पहचान नारियो स्टार्टअप ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना दिया। नारियो के प्रोडक्ट में आते हैं आटे से लेकर कई तरह के मसाले, कॉफी, अचार, जूस, नमक, मूसली और नट्स। 10 लोगों से शुरू हुई नारियो कम्युनिटी में आज 4,800 औरतें जुड़ चुकी हैं। महिलाओं का हुनर आज उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। मोहम्मद सलीम हैदर ने परेशान होकर छोड़ा इस्लाम, परिवार सहित सनातन धर्म में की घर वापसी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सलीम हैदर ने अपने पूरे परिवार के साथ घर वापसी की और सालों बाद फिर से सनातन धर्म अपना लिया। सलीम हैदर ने बताया कि उसका बड़ा भाई उसकी पत्नी सामिया सिद्दीकी से रेप करने की कोशिश करता था। बाप जबरन प्रतिबंधित मांस खिलाते थे। ऐसे में अब सलीम मुसलमान कहलाना नहीं चाहते थे। उन्होंने हिंदू बनने का निर्णय किया और पत्नी बेटी सहित सनातन धर्म अपना लिया। सनातन धर्म अपनाने के बाद हैदर को जान से मारने और पत्नी और 11 साल की बेटी को रेप करने की धमकियां दी जा रही हैं। लखनऊ में निहाल सिद्दीकी ने आशीष मिश्रा बनकर हिंदू युवती से की दोस्ती, फिर किया दुष्कर्म। लखनऊ के मोहनलालगंज में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां निहाल सिद्दीकी नाम के मुस्लिम युवक ने आशीष मिश्रा बनकर एक हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसे शादी का भरोसा देकर दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसने युवती का अश्लील वीडियो भी बना लिया। युवती को जब निहाल सिद्दीकी की असलियत का पता चला तो निहाल वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मतांतरण का दबाव बनाने लगा। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सिद्दीकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुजफ्फरनगर में हिंदू नाम रखकर होटल ढाबे चलाने वाले मुस्लिमों पर हो कड़ी कार्रवाई, स्थानीय लोगों ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुसलमानों द्वारा अपने होटलों और ढाबों का नाम हिंदू प्रतीक और नामों पर रखे जाने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि मुसलमानों द्वारा संचालित इन हिंदू प्रतीकों वाले होटलों के कारण चार धाम व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। इसीलिए स्थानीय लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर जनपद में मुसलमानों द्वारा संचालित इन होटलों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। कमल की डिजाइन वाले पत्थर से सजेगा रामलला का गर्भगृह, मकराना के संगमरमर पर सजेगी आकृतियां। जस्टिस यूयू ललित ने 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर ली शपथ, सीजेआई के तौर पर 74 दिन का होगा उनका कार्यकाल। अयोध्या में फिर बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, छठवें दीपोत्सव पर 14.5 लाख दीपों से जगमग होगी रामनगरी। नशे के सौदागरों पर यूपी सरकार का एक्शन, जहरीली शराब और ड्रग्स माफियाओं की कुर्क की जाएंगी संपत्तियां। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।